All right guys, welcome back to the channel. मेरे साथ है निशान चाहर and he has interviewed at RCCM and आज वो शेयर करेगा हमारे साथ अपना इंटर्नशिप का इंटरव्यू एक्सपीरियंस. सो वेलकम निशांत. Hi sir, thank you for inviting me to your channel. So guys, I am a final year student at NSIT, जो अब NSUT हो गया है, and I have interviewed at Goldman Sachs and RCCM and I interned at Samsung Research Institute Bangalore. तो Goldman Sachs और RCCM में मेरे को rejection मिला था and I learned a lot of things from that. तो वही एक RCCM का इंटरव्यू एक्सपीरियंस आज सर के साथ शेयर करेंगे, तुम सबके साथ शेयर करेंगे. तो निशांत, एक बार ये बताओगे कि अप्लाई कैसे करा था? लाइक कंपनी ऑन साइट आई थी, मतलब कैंपस में आई थी, या फिर तुमने अलग से अप्लाई करा था? नहीं सर, ये RCCM ऑन कैंपस ही आई थी. तो ऑन कैंपस वही फर्स्ट राउंड इसका एक टेस्ट हुआ था. उस टेस्ट में दो क्वेश्चंस कोडिंग वाले थे एंड काफी सारे एमसीक्यूज थे, तुम्हारे जनरल एबिलिटी वाले, तुम्हारे कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड थे एंड कुछ एप्टीट्यूड वाले थे. तो इसमें एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि आई वॉज द लास्ट पर्सन हु वॉज शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस इंटर्नशिप का इंटरव्यू प्रोसेस एंड लाइक मैंने जस्ट कट ऑफ क्लियर करी थी, बट आई रीच टू द फाइनल राउंड एंड सब कुछ. तो वो भी एक पूरा एक एक्सपीरियंस था, उसके बारे में आगे बात करेंगे. तो मतलब ऑन कैंपस आई थी एंड फर्स्ट राउंड वॉज नॉर्मल टेस्ट, उसमें दो क्वेश्चन थे एंड थोड़े एप्टीट्यूड एंड कोर सीएस वाले क्वेश्चन थे. ओके, सो एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन पूछे गए थे? यस सर. ओके, सो कितने राउंड हुए थे बता सकते हो? थोड़ा इंटरव्यू में जाते हैं अब, कितने राउंड हुए थे एंड उसमें क्या क्या क्वेश्चन थे, अगर क्वेश्चन याद हो तो. श्योर सर, श्योर. तो इंटरव्यू में चार राउंड थे, थ्री ऑफ देम वर तुम्हारे DSAlgo एंड थर्ड प्रोजेक्ट बेस्ड एंड लास्ट वाज चार राउंड. तो जो तीन राउंड थे वो तीन इंटरव्यूअर्स थे वहाँ पे, तीनों इंटरव्यूअर्स ने एक एक राउंड लिया था एंड सबने कंबाइंड फिर एक रिजल्ट दिया था. उसके बाद एचआर राउंड हुआ था एंड फिर एचआर के बाद उनके पास लिमिटेड सीट्स ही थी, तो जनरली वो दो लोग लेके जाते हैं और लास्ट में पांच लोग बचे थे, तो उन्होंने एक्सटेंड करके तीन कर दिया एंड आई वाज द लास्ट कैंडिडेट जो नहीं लिया था. तो वो थोड़ा दुख हुआ था. अलग से मेरे को जो उनके हेड ऑफ टेक्नोलॉजी थे, वो मेरे को बोल के गए थे कि यार हमारे पास सीट्स नहीं है, नहीं तो तेरे को ले लेते एंड दैट लाइक रियली फेल्ट ऐसे कि यार अपॉर्चुनिटी मिस हो गई इतनी अच्छी. बट कोई नहीं. तो फर्स्ट राउंड जो था उसमें एक बाइनरी सर्च रिलेटेड क्वेश्चन था. तो एक क्वेश्चन होता है ना, इसमें तुम्हें nth रूट निकालना होता है एक नंबर का, तो वो nth रूट वाला नंबर तुम नॉर्मल तो कर सकते हो ब्रूट फोर्स से, बट उसका एक अप्रोच होता है लॉग इन में करने के लिए, दैट इज योर बाइनरी सर्च. तो वही था वो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था. उस क्वेश्चन पे मैं लॉग इन वाला पूरा सॉल्यूशन निकाल पाया था एंड वो सॉल्यूशन मैंने उनको प्रपोज कर दिया था. तो वो राउंड निकल गया था काफी अच्छे से, ही वॉज इम्प्रेस्ड. बाकी उन्होंने थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करी थी. तो मेरे रिज्यूमे में एक ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट था, वो मैंने रिसेंटली एक कोर्स वगैरह किया था, उसके बाद एक हैकाथॉन में प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था एंड बस जनरल डिस्कशन था लाइक अभी क्या कर रहे हो, व्हाट ऑल टेक्नोलॉजीज हैव यू वर्कड अपॉन एंड एक वो कोडिंग क्वेश्चन था. तो फर्स्ट राउंड यही था. देन सेकेंड राउंड में क्या हुआ था, सेकेंड राउंड में ट्रीज का क्वेश्चन पूछा था एंड मतलब मेरा ट्रीज काफी अच्छा है, मेरा रिकर्जन काफी अच्छा है, बट उस दिन पता नहीं मेरा दिमाग नहीं चल रहा था एंड उस क्वेश्चन में मैं काफी अटक गया एंड वो क्वेश्चन एंड में जाके काफी देर बाद हुआ था, तो वो शायद एक नेगेटिव पॉइंट रह गया था मेरे हिसाब से. तो उस क्वेश्चन में क्या था, तुम्हें एक बाइनरी ट्री दे रखा था एंड तुम्हें क्या करना था, राइट ट्री का जो तुम्हारा सम आ रहा है उसको तुम्हें अपने जो करंट नोड है ट्री का उसमें डाल देना था, लाइक रिप्लेस कर देना था राइट ट्री के सम से. तो बस ये वो पूरा क्वेश्चन था एंड इसमें पता नहीं मैं क्या कर रहा था एंड फाइनली मैंने अप्रोच बता दी थी, बट वो शायद ब्रूट फोर्स वाली बताई, फिर मैं उसको ऑप्टिमाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया. तो वो उस क्वेश्चन उस वाले राउंड में एक ये क्वेश्चन पूरा करवा दिया था. उसके बाद थोड़े OS रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे, थोड़े बहुत DBMS से क्वेश्चंस पूछे थे. तो दिस वाज द सेकंड राउंड एंड फिर लास्ट राउंड जो हुआ था वो काफी रैपिड फायर टाइप का था. उसमें क्या था, हमारे एक NSIT के ही एल्यूमिनाई थे जो वहां पर काम कर रहे थे तीन चार साल से, वो आए हुए थे एंड उनके साथ हेड ऑफ टेक्नोलॉजी थे. तो वो दोनों साथ कंबाइंड इंटरव्यू ले रहे थे, जो क्वेश्चन वगैरह थे DSAlgo के वो वही एल्यूमिनाई जो हमारे थे वो पूछ रहे थे. तो उन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे थे बट कोई चीज कोड नहीं करवाई थी. पहले दोनों इंटरव्यूज में वो पेन एंड पेपर पे कोड करवाई थी लाइक कोडिंग स्टाइल वगैरह देखने के लिए. लास्ट राउंड में बस वो अप्रोचेस जानना चाह रहे थे कि मैं कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहा हूँ. तो मेरे से कम 8-10 क्वेश्चंस पूछे थे उस राउंड में एंड लाइक काफी ज्यादा, मतलब 8-10 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं और रैपिड फायर बार बार मेरे से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, कभी कुछ. तो बस वो वाला राउंड वही था. वो राउंड काफी अच्छा गया था, लाइक बोथ ऑफ देम वर रियली इंप्रेस्ड. फिर उसके बाद लास्ट राउंड जो था वो HR राउंड था. तो HR राउंड में भी बस यही सब पूछा था, आर यू रेडी टू रिलोकेट, तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस बता दो, ये बता दो, वो बता दो, जनरल HR. सो आई वाज पॉजिटिव कि शायद मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज दो राउंड्स काफी अच्छे गए थे, एक राउंड थोड़ा डिसेंट सा गया था एंड लाइक HR वॉज गुड. तो दिस वॉज द होल इंटरव्यू एक्सपीरियंस. तो मतलब तुमसे एप्टी भी पूछा गया, तुमसे DBMS वगैरह के सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी पूछे गए, ना सिर्फ DSAlgo के, राइट?
तो बता सकते हो कि अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहे तो वो उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, मतलब ओवरऑल कैसी प्रिपरेशन रहनी चाहिए उसकी? श्योर सर, तो चाहे वो इंटर्नशिप हो चाहे प्लेसमेंट हो, जब मेरे को खुद यही लगता है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता ऑनेस्टली इंटर्नशिप वाले जो राउंड्स होते हैं और जो हमारे फुल टाइम वाले होते हैं कुछ कंपनीज में, बट कुछ कंपनीज में होता है कि वो नंबर ऑफ राउंड्स डिक्रीज कर देते हैं। लाइक तुम्हारे अमेज़न में बस एक राउंड होता है इंटर्नशिप के लिए एंड फुल टाइम के लिए चार होते हैं। तो अमेज़न की अगर इंटर्नशिप क्रैक कर ली तो और पीपीओ निकाल लिया, वो ज़्यादा ईजी है टू गेटिंग इनटू अमेज़न। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट में भी एक आधा राउंड कम होता है, बट जनरली सारी कंपनीज में ऑलमोस्ट सेम ही राउंड्स होते हैं जो तुम्हारे फुल टाइम के लिए होते हैं। तो जो प्रिपरेशन होती है ना ऑलमोस्ट सेम होती है यार। तुम्हें डीबीएबीएस करना पड़ेगा, तुम्हें ओएस करना पड़ेगा, तुम्हें ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स करने पड़ेंगे, तुम्हें थोड़े बहुत पजल्स वगैरह भी करने पड़ेंगे, कुछ कंपनीज पजल्स भी पूछ लेती हैं। अब इन सब का जो सबसे अच्छा रिसोर्स मेरे को लगता है, एक तो अगर तुमने कोर्स में कर ली है ये चीज़ें तो कोर्स में भी तुमने मोस्ट प्रोबेबली या तो किसी बुक से पढ़ा होगा, बुक से नहीं पढ़ा तो यूट्यूब पे संचित जैन सर की काफ़ी अच्छी प्लेलिस्ट है तुम्हारी ओएस की और डीबीएमएस की, तो मैंने वहीं से रेफर किया था। मैं तो बस नोट्स वोट्स बना के वो पढ़ रखा था एग्जाम्स के टाइम ही, बस बाद में एक बार रिवाइज कर लिया था। और उसके अलावा एक जल्दी से स्किम थ्रू करने के लिए ना एक ट्यूटोरियल्स पॉइंट की एक पीडीएफ टाइप की मिल जाती है ऑनलाइन, ठीक है, वो काफी सारी सी रिसोर्सेज फ्री हैं तो उसको जाकर तुम डाउनलोड कर सकते हो। उसमें तुम्हें पॉइंट्स वगैरह मिल जाते हैं काफी अच्छे, लाइक जल्दी जल्दी तुम्हें डेफिनेशन वगैरह देखने की, अच्छा ये चीज क्या होती है, तुम्हें थोड़ा सा याद करना है, ब्रशअप करना है, तो उसके लिए वो काफी अच्छा है, बट डीप पढ़ने के लिए वो सही नहीं है। तो उसके लिए तुम बुक वगैरह पढ़ सकते हो। अगर ओएस के लिए तुम्हारी गैलमैन होती है, अगर तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, जब अगर तुम्हारा कोर सब्जेक्ट है ये, तो उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना, काफ़ी सही बुक है वो। एंड और तुम्हारी डीबीएमएस के लिए होती है कॉर्थ, तो ये दोनों बुक्स में से ही जो यूट्यूब वाले चैनल्स होते हैं उसी में से पढ़ के पढ़ा रहे होते हैं। तो अगर तुम्हें यूट्यूब वगैरह नहीं पसंद, ऐसे वीडियोज़ देख के नहीं ज़्यादा समझ आता है, तो बुक रेफर कर सकते हो, ज़्यादा बढ़िया रिसोर्स है ही हमेशा। तो बस यही है मोस्टली। और ऊप्स के लिए यार तुम जीएफजी से पढ़ सकते हो एंड पजल्स वगैरह तुम जीएफजी और इंटरव्यू बिट से पढ़ सकते हो। बाकी डीएस आलगो की प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी ही होगी, वो जीएफजी एंड लीड कोड इंटरव्यू बिट सबसे कर लो मिक्स करके, ऐसे कोई एक मतलब रिसोर्स को पर्टिकुलरली फॉलो मत करना। बाकी थोड़ी बहुत कॉम्पिटिटिव कर लेना, कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे सेगमेंट्रीज पूछ लेते हैं तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा, टेस्ट में तो पूछ ही लेते हैं, इंटरव्यू में चाहे ना पूछे वो, बट टेस्ट में सेगमेंट्रीज के क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं। बाइनरी सर्च पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना, बाइनरी सर्च के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं एंड जब भी तुम्हें कोई चीज लॉग इन में करनी होगी तो तुम्हारा सबसे पहले दिमाग वहीं जाएगा कि यार बाइनरी सर्च कैसे लगेगी, बाइनरी सर्च में एग्जैक्टली। तो ये दो तीन टॉपिक्स है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया, ग्राफ्स हो गया, तो है ही मतलब ये तो करने ही है, बट लोग बाइनरी सर्च को स्किप कर देते हैं, इतने अच्छे से नहीं करते। तो वो मतलब है काफी अच्छा टॉपिक है, बाइनरी सर्च करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड मतलब अगर इंटर्नशिप निकाल लेते हो तो उसके बाद तो पीपीओ वगैरह मिल ही जाता है। एंड मेरे को लगता है कि इंटर्नशिप के थ्रू जाना इजी है, जैसे अभी निशांत ने भी कहा इंटर्नशिप के थ्रू जाना इजी है, जब आप ऑफ कैंपस इंटरव्यू के थ्रू जाते हो तो आपके नंबर ऑफ राउंड्स भी ज़्यादा होते हैं, आपसे एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती है एंड आप कम्पीट भी ज़्यादा लोगों से कर रहे होते हो, स्पेशली अगर आप ऑफ कैंपस में जा रहे हो। तो कोशिश करो कि आप इंटर्नशिप के इंटरव्यू के लिए तो अच्छी तरह प्रिपेयर करो। एंड निशांत ने सारी चीज़ें बताई दी हैं कि कैसे कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना है, बाकी उसके और भी सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं वो उसने अपने चैनल पे शेयर कर रखे हैं, उसने जहाँ जहाँ इंटर्नशिप्स करी हैं एंड काफ़ी और लोगों के भी वो इंटरव्यूज़ वगैरह लेते रहते हैं, उसकी एक अच्छी सीरीज़ है प्लेसमेंट डायरीज़ करके, तो वो आप ज़रूर देखना, उसकी सारी वीडियोज़ ही बहुत अच्छी है, आई हैव पर्सनली सीन इट एंड आई लाइक देम अलॉट। और रिसेंटली सर के साथ भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया था मेरे चैनल पे, प्लेसमेंट डायरीज़ की जो रिसेंट वाली जो एपिसोड है वो सर के साथ ही है, उनका अर्बन क्लब का और क्योरफिट का जो एक्सपीरियंस था वहाँ पे शेयर किया था, उसको भी जाके जरूर देख लेना वीडियो को। डेफिनेटली, एंड मैं दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, निशांत का चैनल मैं टैग भी कर दूंगा टाइटल में, तो अब बस एक क्लिक करके आप उस पर जा सकते हो। सो थैंक यू निशांत फॉर कमिंग एंड फॉर गिविंग मी टाइम टू शेयर योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी, मतलब काफ़ी अच्छा ही लगता है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना और दूसरे उससे कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एग्जैक्टली, एंड मेरे को लगता है कि काफ़ी लोगों की हेल्प होगी इस चीज़ से। यार और चैनल को सब्सक्राइब कर देना सर के, अभी रिसेंटली सर ने 1K हिट किए हैं, अब ये वाला जो स्पीड चल रही है ना इसको कंटिन्यू करो जल्दी जल्दी और माइलस्टोन्स वगैरह हिट करने हैं। तो बस निशांत ने कह दिया है, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना, एंड निशांत के भी 10K होने वाले हैं तो उसके भी चैनल पर जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।